नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज तक के इस नए चुनावी शो गुजरात का गदर में आपका स्वागत है। 27 साल से गुजरात में एकमेव सत्ता बीजेपी की है। 1995 से गुजरात में कांग्रेस लगातार 7 से 10% वोट के फासले से हार रही है। 32 साल बाद गुजरात में पहली बार चुनाव दो दलों के बीच इस बार नहीं सिमट रहा। अरविंद केजरीवाल की पार्टी के गुजरात में उतरने से 1990 के बाद पहली बार गुजरात में चुनाव त्रिकोणीय हो रहा है। लेकिन गांधीनगर पर राज्य के इस राजनीतिक चक्रव्यूह में एक कार्ड ओवैसी का भी है। इसीलिए जरूरी है कि आपको गुजरात के चुनावी गदर की हर कहानी, हर रंग, हर राजनीति और संपूर्ण विश्लेषण पता हो। 5 साल सत्ता में रहने के बाद किसी भी सरकार को एंटी इनकम्बेंसी का डर होता है। लेकिन ऐसा क्या है कि 2.5 दशक से गांधीनगर की कमान संभाल रही बीजेपी को सत्ता विरोधी लहर का डर नहीं लगता? क्या इसकी वजह सिर्फ नरेंद्र मोदी हैं जिनके गृह राज्य में चुनाव है, जहां कौन जीतेगा से ज्यादा बीजेपी का जोर इस बात पर है कि कितने बड़े अंतर से गुजरात के गदर को अपने नाम करना है? गुजरात भाजप एटले सेवा, गुजरात भाजप एटले माताओं बहनों महिलाओं की सुरक्षा, गुजरात भाजप एटले शांति, गुजरात भाजप एटले समाज की तोड़वा वाली ताकतों पर जीवलेण प्रहार करवानी शक्ति। दोस्तों, सरकार तो बनने जा रही है। ये लोग मुझसे नफरत करते हैं, भगवान का अपमान किया इन लोगों ने। अरे तुम कंस की औलाद हो, तुम कंस की औलाद हो जो इस तरह से भगवान का अपमान करते हो। मैं एक धार्मिक आदमी हूँ, हनुमान जी का कट्टर भक्त हूँ। गुजरात चुनाव को कांग्रेस पार्टी गुजरात में जीतेगी। बहुत भारी एंटी इनकम्बेंसी है और जो आम आदमी पार्टी का है पूरा हवा में है। मैं भारत के मुसलमानों से अपील कर रहा हूं, सुन लो मेरी इस बात को कि आज भारत की राजनीति में मुसलमानों की कोई अहमियत नहीं है। अब ये छोटा रिचार्ज का नाम आप पार्टी है। आ गुजरात, आ गुजरात, मैं बना भी ये चुनावी गदर उस गुजरात में है जहां 2001 से 2014 तक 13 साल मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी रहे, जहां 27 साल से बीजेपी कभी भी 42% से कम वोट नहीं पाई। क्या 2022 में नरेंद्र मोदी के गृह राज्य के चुनाव में रत्ती भर भी कोई उलटफेर कर सकता है, या फिर गुजरात में उलटफेर करने का चुनावी बाहुबल सिर्फ नरेंद्र मोदी के पास ही है? तमें कोई ने पण पूछो, हमने दिल्ली में जे वावड आवे ए पण ए ज आवे कि भाई गुजरात ना लोको ए तो फरी एक बार भाजपनी सरकार बनावानुं मन बनावी लीधुं छे। जिस रिकॉर्ड को तोड़ने का मन नरेंद्र मोदी गुजरात में बनाते हैं, उसे जानने के लिए इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। वो साल था 1985। गुजरात में कांग्रेस ने माधव सिंह सोलंकी की अगुवाई में 182 में से 149 सीट जीत ली। यही रिकॉर्ड आज तक नहीं टूटा। 1995 में बीजेपी ने 121 सीट गुजरात में जीती। 1998 के चुनाव में बीजेपी 117 सीट पाई। 2002 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ये आंकड़ा बढ़कर 127 सीट हुआ। 2007 में मोदी के नाम और काम पर ही बीजेपी फिर 117 सीट पाती है। 2012 में बीजेपी ने यहाँ 115 सीटें जीती। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बन जाने के बाद 2017 के विधानसभा चुनाव में मिशन 150 का रखने के बाद भी बीजेपी की सीट घटकर 99 तक आ गई थी।
तो क्या आपकी बार नरेंद्र मोदी गुजरात में अपनी पार्टी को 37 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ने की ताकत दे देंगे? आज गुजरात में एक एक बालक जाने से, प्रत्येक व्यक्ति जाने से गुजरात भाजे पेटले सेवा, गुजरात भाजे पेटले माताओं बहनों महिलाओं की सुरक्षा। गुजरात का चुनाव सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं होता, प्रधानमंत्री मोदी का राज्य होने की वजह से देश दुनिया की नजर इसके चुनावी गदर पर होती है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात के नतीजे इस बात पर भी मुहर लगाएंगे कि नरेंद्र मोदी की लहर अभी कितनी तेज है। गुजरात लोग कोई मानवी प्रगति करे, गुजरात प्रगति करे तो इना पेट में उंदर दौड़वा मारे छे भाई। गुजरात, गुजरात का सम्मान, गुजरातियों का सम्मान याद दिलाकर नरेंद्र मोदी जब अभी जनता से रिकॉर्ड तोड़ जीत दिलाने के लिए कहते हैं तो कुछ लोग तब 2017 के नतीजों की याद कराते हैं, जब मोदी के खुद गुजरात में 36 रैली और रोड शो करने के बावजूद बीजेपी की सीट पहली बार 100 से नीचे पहुंची थी। बीजेपी और कांग्रेस के बीच 23 लाख वोट का ही अंतर रह गया था। क्या इस आधार पर ये निष्कर्ष विरोधी निकाल सकते हैं कि अगर दम लगाया जाए तो गुजरात में भी बीजेपी को रोका जा सकता है? आपके सामने चुनाव है और मैं आपको बता रहा हूं, मैं पिछली बार भी आया था, इस बार भी आया हूं, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप लड़ गए पिछली बार जैसे, अगर आप लड़ गए, मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं, यहां पे कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। 2017 के नतीजों को एक दूसरी नजर से भी देखना, समझना तब जरूरी हो जाता है। 2017 में जब बीजेपी पहली बार 100 से नीचे आकर 99 सीट पाती है, तब चुनाव नोटबंदी और जीएसटी के मुद्दे के साए में हो रहे थे। किसान और पाटीदार आंदोलन जोरों पर था। हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर और जिग्नेश मेवानी के प्रचार से सत्ता विरोधी माहौल बना, कांग्रेस को फायदा हुआ था। लेकिन अब 5 साल के भीतर चुनावी गदर में बहुत कुछ गुजरात के बदल चुका है। जैसे आज हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर बीजेपी में है, जिग्नेश मेवानी की ताकत चुनाव को प्रभावित करने की नहीं रही। तब बीजेपी के साथ सीधे मुकाबले में कांग्रेस थी, अब आम आदमी पार्टी भी आ रही है। गुजरात चुनाव में कांग्रेस की 5 से कम सीट आएंगी। 5 से कम? भारत माता की, अगर कांग्रेस कमजोर होती है तो क्या बीजेपी को चुनौती देने वाला विकल्प आम आदमी पार्टी बन सकती है, जो पहली बार बड़े स्तर पर आक्रामक होकर चुनाव लड़ने गुजरात में उतरी है? एक ट्रेंड आपने पिछले कुछ महीनों में जरूर देखा होगा, जितने सर्वे आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी बढ़ रही है बड़ी तेजी से और दोनों पार्टियां गिर रही हैं बड़ी तेजी से, ये ट्रेंड तो सब में है। गुजरात चुनाव में कांग्रेस पार्टी बहुत इफेक्टिवली लड़ रही है और गुजरात चुनाव को कांग्रेस पार्टी गुजरात में जीतेगी। बहुत भारी एंटी इनकम्बेंसी है और जो आम आदमी पार्टी का है पूरा हवा में है, ग्राउंड पे कुछ नहीं है। आप मीडिया का मतलब वहां से वो फंडिंग करते हैं, दिल्ली से एडवर्टाइजिंग करते हैं, तो हवा बना रखा है। बट कांग्रेस पार्टी इज ए सॉलिड पार्टी इन गुजरात, कांग्रेस पार्टी इज गोइंग टू विन द इलेक्शन देयर। कि गुजरात के गदर में इस बार वो होने वाला है जो 37 साल से नहीं हुआ। अन्यार नातो आ रिश्ता ये मात्र राजकारण ना नथी, आटा पाटा ना नथी, ये तो दिल नो प्रेम छे, भला दिल नो प्रेम छे।